नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अलीगढ़ में थाना मौवाखेड़ा क्षेत्र में स्थित धनीपुर मंडी परिसर में दो पक्षों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि मीडियाकर्मी मुकेश गुप्ता अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। इस दौरान वहां कुछ लोग आए जिनके साथ मुकेश का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष ने मुकेश को गोली मार दी, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसके बाद जेएन मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया। फिलहाल दोनों पक्षों का यह विवाद बताया जा रहा है। जनपद अलीगढ़ में भारत समाचार के पत्रकार हैं मुकेश गुप्ता। आज ये अपने दो साथी संजीव और प्रमोद, इनके साथ मंडी क्षेत्र अंतर्गत एक पेड़ के पास एक जगह बैठ के कुछ खा पी रहे थे। वहीं इनका कहना है कि वहीं पास में एक अन्य युवक जो वहाँ पहले से बैठा था कुर्सी और तखट डाल के, वो इनके पास आया और इनके साथ बदतमीजी करने लगा। जब इनके द्वारा उसको मना किया गया, टोका गया, तो उसने विशेष तौर से जो मुकेश गुप्ता हैं इनकी ओर इशारा करते हुए इनके साथ अत्यधिक बदतमीजी की एवं आक्रामक हो गया। इसके बाद उस व्यक्ति द्वारा इनके ऊपर फायर किया गया जो इनके लोअर एब्डोमेन क्षेत्र में लगा। इस सूचना पर तत्काल पुलिस वहां पर पहुंची है और इनको लेकर मेडिकल कॉलेज आई है। बरेली में खेत में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 10 से 12 दिन महिला का शव पुराना लग रहा था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जुटी है। हालांकि महिला की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। मीरगंज थाना क्षेत्र के बलपुरा गांव के जंगल में महिला का शव मिला है। एटम में पति पत्नी और वो की कहानी सामने आई है। एक पति ने अपने पति को स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में महिला पुलिसकर्मी के साथ रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया और पुलिस को सौंपा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्नी और परिजनों ने ग्राम विकास अधिकारी और एक महिला पुलिसकर्मी को स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। थाना कोतवाली देहात के हिंदुस्तान लीवर के हाईवे पुल के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद में थाना शमशाबाद में हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई है। एक टेम्पो चालक का शव शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम ठंडी कुइया के निकट एक मक्के के खेत में मिला। मृतक की पत्नी ने हत्या के मामले में अपने ही परिवार वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ससुर सास तथा देवर पर हत्या का आरोप लगाया है। शमशाबाद के अंतर्गत ये जो रजलामई गाँव है, इसमें एक मक्के का खेत है, इसके अंदर एक डेड बॉडी मिली है, जिसकी पहचान जो पवन कुमार के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 32 वर्ष है, जो मई रसीदपुर कायमगंज के रहने वाले हैं और ये अपना ऑटो चलाते हैं, जिसका नंबर UP 76T 3045 है। और इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और प्रथम दृष्टया मर्डर करके यहाँ पर डेड बॉडी को डालना प्रतीत हो रहा है। इसके संबंध में PM की कार्रवाई करवाई जा रही है। साथ ही साथ जो तहरीर उनके घर वालों के द्वारा दी गई है, उस पर FIR दर्ज करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा में चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां पर अपहृत युवक ने पिता से लाखों रुपए वसूलने के लिए खुद की अपहरण की साजिश रच डाली। पुलिस की जांच के बाद इसका खुलासा हुआ है कि अपहृत युवक अपने पिता से 2 लाख रुपए के लिए खुद की अपहरण की साजिश रची थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। वही पुलिस अधीक्षक ने अपील की है कि अपराधी कोई भी हो, अगर गलत काम करेगा तो उसकी जगह जेल होगी। जनपद गोंडा में कल थाना तरबगंज अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का अपहरण हो गया है और फिरौती मांगी जा रही है। इस सूचना पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया गया और इसमें हमारी टीमें लगा दी गई। 6 घंटे के अंदर ही इस आदमी को बरामद कर लिया गया। ये मालूम चला कि इस आदमी ने खुद ही अपने अपहरण की घटना रची थी और अपने पिताजी को फोन करके ब्लैकमेल करके 2 लाख रुपए हड़पने की फिराक में था।
इसीलिए ये गायब हो गया था और अपने फादर को फोन करके 2 लाख रुपए मंगवा रहा था। पुलिस की टीम हमारी लगी हुई थी और इसको दबोचा गया। आज इसी व्यक्ति को जिसकी अपहरण तथाकथित अपहरण हुआ था उसी अभियुक्त को उठा के इसमें जेल भेजा जा रहा है। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के पटेलगंज के पास रंतित डंपर ने पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी जिससे गाड़ी में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने डंपर को कब्जे में लिया है। डंपर के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। ये भी हम लोग सोए हुए थे रात में 3:30-4 बजे के आसपास की बात है ये, और एक बैग जो है कि ये सारा कांड हुआ गिरा और हम लोग तो उठ गए, बच्चे भी उठ गए, पूरा चौंक गए हम लोग। जब ताला खोल बाहर निकल तो ये सब जो रोड पे सोते हैं ये सब चिल्लाने लगे पूरा, तो उसमें जो है कि 2-3 लोग की शायद मौत होगी खींच के। अब 3:30 बजे बात है, खुद आदमी कौन सी गाड़ी थी और ये डंपर था। हमीरपुर में कोटेदार की घटतौली की शिकायत पर जांच करने पहुंचे जिला पूर्ति अधिकारी के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। ग्रामीणों के 2 पक्ष में डायरेक्ट सुबारा पुलिस के सामने संघर्ष हुआ। कोटेदार पक्ष और कोटेदार के शिकायती पक्ष के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस के सामने आपस के 2 गुटों में जमकर मारपिटाई हुई है। पुलिस पर भी चप्पल लेकर भीड़ दौड़ती हुई नजर आई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कलौली गाँव का पूरा मामला। हरदोई में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत जिले में पहुंचे मंत्री अशोक चंदन ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि अखिलेश निश्चिंत रहें, प्रदेश एक सफल हाथों में है। ये उनके कार्यकाल का उत्तर प्रदेश नहीं रहा और आने वाले 5 सालों में प्रदेश अग्रणी राज्य बनने जा रहा है। राहुल गांधी पर भी उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि 8 साल में जम्मू में प्रगति हुई है। राहुल गांधी भ्रमित, हताश, निराश हैं, विदेशों में जाकर देश को बदनामी करा रहे हैं। वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, उन्हें अपने गरबान में झांक कर देखना चाहिए। कन्नौज में देर रात जिलाधिकारी निर्माणाधीन खेल स्टेडियम के औचक निरीक्षण पर पहुंच गए। यहां अंधेरा देखकर डीएम ने बिजली व्यवस्था का इंतजाम कराने के निर्देश दिए। उन्होंने खेल मैदान की फील्ड में छाप का कोई इंतजाम न देख नाराजगी जताई है और वृक्षारोपण करने को भी कहा है। कन्नौज में एक किसान सम्मान निधि नशे में उड़ाते हुए व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि नशे में धुत अधेड़ ने मां बेटी को बुरी तरह से पीटा है। आक्रोश में आकर पति ने भाई को बुलाकर पत्नी की जमकर पिटाई करा दी, तो उन घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। पत्नी का आरोप है कि कर्ज ना चुकाकर पति ने शराब में किसान सम्मान निधि उड़ा दी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के तारमऊघड़ी गाँव का पूरा मामला बताया जा रहा है। कुशीनगर के पटरौना नगर के आवास विकास कॉलोनी में शौचालय की टंकी साफ करते समय 3 मजदूरों की मौत हो गई। शव को निकाला गया बाहर, फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि शौचालय की टंकी साफ करने नीचे उतरे 3 मजदूर वहीं फंस गए और दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई। मुरादाबाद में अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी के घर से चोरी कर लेने के संबंध में थाना पगबाड़ा पर तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर थाना पगबाड़ा में धारा 380 के तहत रात में श्री सत्येंद्र कुमार शर्मा थाना पगबाड़ा द्वारा हमराही पुलिस बल की मदद से अभियुक्त फिरासत पुत्र भूरा निवासी उमरी सब्जीपुर थाना पगबाड़ा मुरादाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया गया है। मुरादाबाद के थाना कोतवाली इलाके की पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद सट्टा माफिया किंग मोहम्मद अजीम के खिलाफ संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की। सट्टा माफिया अजीम के खिलाफ मोर्डर लूट सहित 37 से अधिक मुकदमे मुरादाबाद जिले के थाने में दर्ज हैं।
अवेदिका सोनम कावड़ा पत्नी पुनीत सिंह निवासी बुद्धि विहार थाना मझौला मुरादाबाद ने रेल यात्री टिकट बुक किया था जिसमें रुपए कट गए लेकिन टिकट बुक नहीं हो पाया, जिस पर गूगल से नंबर सर्च कर वार्ता कर एनी डेस्क डाउनलोड कराकर पीएनबी खाते से दो बार में कुल 58,000 से ज्यादा रुपए की ठगी होने के संबंध में सूचना दी गई है, जिसके बाद क्राइम साइबर सेल मुरादाबाद द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए शत प्रतिशत 58,000 से ज्यादा रुपए वापस कराए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में जनपद क्षेत्राधिकारी थाना प्रभारी द्वारा पुलिस बल के साथ जनमानस की सुरक्षा की भावना जागृत करने अपराध नियंत्रण कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत गलियों बाजारों महत्वपूर्ण स्थानों पर पैदल गश्त किया गया। मुरादाबाद में योगी सरकार का चाबुक सट्टा माफियों द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्ति पर चल रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए महलनुमा मकान को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। सट्टा माफियाओं को पिछले दिनों गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा चुका है। संभल में जिला अस्पताल से शर्मनाक तस्वीर सामने आई, जहां दुर्घटना में घायल बुजुर्ग को ना स्ट्रेचर मिला और ना ही एम्बुलेंस मिली है। बुजुर्ग का पुत्र गंभीर पिता को गोद में उठाकर ले जाते कैमरे में कैद हुआ है, जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। शामली के युवक आकाश की मौत का ये पूरा मामला है, जहां पर गुस्साई परिजन शामली के शिव चौक पर धरने पर बैठ गए हैं। सैकड़ों की संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग यहां पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि जेल में बंद आकाश की मौत पर बीजेपी नेताओं और पुलिसकर्मियों पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ उचित कार्रवाई न होने की वजह से धरने पर परिजन बैठे हुए हैं। शामली पुलिस अधीक्षक ने पीएसी बल के साथ भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के शिव चौक पर पीड़ित परिजन लगातार हंगामा करते रहे। श्रावस्ती जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी जिला प्रभारी राहुल रस्तोगी और विधायक राम वीरेन पांडे ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। इस दौरान बीजेपी जिला प्रभारी राहुल राज रस्तोगी ने सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों को पटका पहनाकर सम्मानित भी किया। वहीं कोतवाली पुलिस ने 1 किलो 500 ग्राम गांजा के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भी भेज दिया है। कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में टीवी सीरियल निर्माता जमा हबीब उर्फ बेदुम्मा से उपन्यासकार रूप नारायण सोकर ने 60 लाख का मुआवजा देने का मुकदमा देहरादून न्यायालय की अदालत में दाखिल किया। चर्चित उपन्यासकार और नाटककार रूप नारायण सोनकर ने अपने उपन्यास डंक संग्रह समाजद्रोही का एक नाटक खलचल नीति की कहानी थीम और पात्र चोरी करके सुपरहिट टीवी सीरियल निमकी मुखिया बनाने का आरोप निर्माता निर्देशक जमा हबीब उर्फ बेदुजम्मा पर लगाया है, जबकि टीवी सीरियल निर्माता की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया जा रहा है। जयनगर नंबर 3 में रोड़ो नाली को लेकर आम जनता काफी परेशान है, उनको आवाजाही के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं गांव के गंदे पानी निकासी के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर उन्होंने कई बार प्रशासन के आला अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।